हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केके क्रिएशन चैनल। सो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं अपने इस चैनल के वीडियो में फर्स्ट टाइम आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ कुछ फीलिंग शेयर करने के लिए। सो दोस्तों, क्या फीलिंग है? फर्स्ट रिएक्शन यही है मेरा कि आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, ये जो काफ़ी दुख की बात है सच बताऊँ तो। और मैं आपको लास्ट में वो कॉपीराइट का मेल वगैरह जो भी है मैं आपको दिखाऊँगा, पहले आप मेरी आप बीती सुन लीजिए। तो बात ये हुई कि मेरा चूतिया इसलिए कटा क्योंकि इसमें मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं क्रिकेट लवर हूँ दोस्तों, तो कल रात को जब मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ ODI मैच देख रहा था और जब मैं इंडिया की बैटिंग देख रहा था तो मैंने कुछ क्लिप बना ली थी जिसमें रोहित शर्मा आउट हो गए थे बाय मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ विराट कोहली, तो मैं वो क्लिप रखा हुआ था दोस्तों। तो मॉर्निंग में जब मैं यूट्यूब चला रहा था तो मेरे ही यूट्यूब चैनल के होम पेज पर ही एक क्लिप आ गई थी कैसे रोहित शर्मा आउट हुए कल के मैच में। तो मैंने उसको प्ले किया तो सिंपल तरीके से एक फ़ोटो स्लाइड करके अपना एक यूट्यूबर्स थे फ़ोटो स्लाइड कर दिए थे और पीछे से आवाज़ देके उसके बारे में बता रहे थे। तो जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो मैंने कुछ वॉचर्स के मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था भाई कुछ पूरी वीडियो आप अपलोड कीजिए, ये नहीं मज़ा आ रहा है। तो मज़े के लिए ही मज़ा मेरे को सजा बन गई। तो मैंने क्या किया कि वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, एक घंटे में काफ़ी अच्छे खासे व्यू आ गए थे। और तभी मेरे पास एक मेल आया, डेंजरस मेल, कि आपका वीडियो हटा दिया गया है। फिर मैंने वो वीडियो हटा ही दिया, उन्होंने हटा दिया था लेकिन मैंने भी अपने चैनल से डिलीट कर दिया, लेकिन एक स्ट्राइक तो मेरे पे पड़ गई। और सच बताऊँ दोस्तों तो ये स्ट्राइक मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा है आप कि मेरे चैनल पे एड्स वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे व्यूज़ उतने अच्छे अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे रेगुलर की तरह। 3 महीने का वो टाइम होता है एक्सपायर होने का और 3 महीने के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक और 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है चैनल पर, जो मेरे पे तो आज एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। अगर 3 महीने के अंदर 2 और आ गए तो मेरा चैनल डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और जो भी एडसेंस अकाउंट में मेरे कुछ इनकम ऐड हुआ है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों यही बात है और आप सभी यूट्यूबर्स से मेरा यही कहना है कि दोस्तों प्लीज़ किसी का भी कंटेंट कॉपी करके ना यूज़ करें, अगर यूज़ करना है तो आप फुल्ली परमिशन ले कर यूज़ करें। और कहते हैं कि छोटा छोटा एक म्यूज़िक भी होती है उसकी भी कॉपीराइट आ जाती है जो कि बहुत ही गंदा लगता है अपना एडिट किए हुए, इतने टाइम मतलब इतना समय लगता है एडिट करने वीडियो को, पहले शूट करो फिर एडिट करो और एडिट करने के बाद कुछ कंटेंट डाल भी दो हल्का छोटा सा या बड़ा सा तो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है और मोनेटाइज नहीं होता वीडियो, डिसेबल कर दिया जाता है। सो दोस्तों, आप हमारे जीमेल के अकाउंट में आ गए हैं, दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यूट्यूब का वो जो मेल आया हुआ है कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस। चलिए इसको खोल के देखते हैं क्या है आया था। यहाँ पे लिखा है केके क्रिएशन, ड्यू टू ए कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट वी हैव रिसीव वी हैव टू टेक डाउन योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, मतलब हटा दिए इन लोगों ने। टाइटल था उस वीडियो का रोहित शर्मा रन आउट बिकॉज ऑफ विराट कोहली फॉल्ट फोर्थ ODI इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे नीचे URL दिया है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वीडियो हट चुका है। यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है यू हैव रिसीव ए 1 कॉपीराइट स्ट्राइक, यू हैव नाउ 1 कॉपीराइट स्ट्राइक, इफ़ यू गेट मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक वी विल हैव टू डिसेबल योर अकाउंट टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, प्लीज डोंट अपलोड सच वीडियोस। मतलब कहने का मतलब इसका यही है कि भाई कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कम से कम 3 चांस तो दे रहा है, मल्टीपल चांस दो दे रहा है, अगर एक आया हुआ है तो ठीक है दूसरी में गलती नहीं करेंगे। सो दोस्तों यही है कि आप पहले से पहला दूसरा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऐड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके व्यूज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट अगर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो आपका चैनल ये लोग डिसेबल कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका जो भी एडसेंस में मनी होगा वो उसको भी डीएक्टिवेट कर देंगे, जो आपके हाथ नहीं लगेगा, सिंपल इज़ दैट। सो फ्रेंड्स, आप मैं से फिर से यही कहना चाहूँगा, डोंट यूज़ कॉपीराइट कंटेंट इन योर वीडियोज़। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्लीज़ डोंट अपलोड कंटेनिंग कॉपीराइटेड कंटेंट दैट आर नॉट अलाउड।
तो ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये सीधा सीधा लिखा दिस वीडियो हैज़ बिन रिमूव्ड बाय द यूज़र। सिंपल सी बात है, जब उन्होंने स्ट्राइक पेल दिया तो मैंने भी हटा दिया। मैंने सोचा स्ट्राइक हट जाएगी, पर स्ट्राइक तो हटती नहीं है भाई, मुझे भी पता होना चाहिए था। मैंने हटाया, स्ट्राइक हटी नहीं, लेकिन वीडियो हट गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अरे रुका हो, ख़त्म ना भेल वीडियो भाई। हाँ, ये वीडियो का लाइक करा, शेयर करा अपने दोस्तन के साथ है। और प्लीज ये चैनलवा के सब्सक्राइब करा कि सबसे पहले तो के हमार वीडियो प्राप्त हो के। और जब सब्सक्राइब के बगल ही हम घंटिया बा ओके दबाओ ना भूलैया, टिप एक नीचे बा सब्सक्राइब इट एंड टैप द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।